तहसील पुलिस स्टेशन की हद में तीन आरोपियों ने मिलकर एक अपराधी की सिगरेट ना देने पर गाली गलौज कर चाकू से गोद दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं, जिसके बाद फिरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के वक्त सभी आरोपी बियर बार के बाहर खड़े थे। उस वक्त फिरियादी कुणाल झाले, जिसका आपराधिक चरित्र है, वह भी बाहर खड़ा था। तभी शाहबाज सलमान मिर्जा, अब्दुल मालिक, तौहिद मुश्ताक अंसारी ने गलती से उसे वेटर समझकर सिगरेट मांग ली, जिसके बाद फिरियादी कुणाल झाले ने गाली गलौज कर मैं क्या वेटर दिखता हूँ ऐसा बोलकर वो वहाँ से निकल गया, जिसके बाद सभी आरोपियों ने फिरियादी का पीछा कर उसे रास्ते में रोक लिया और गाली गलौज की, जिसके बाद शाहबाज ने जेब से चाकू निकालकर उसे लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद फिरियादी ने पुलिस में रिपोर्ट देकर मामला दर्ज करवा दिया है। 22/5/24 रोजी कुणाल आनंदराव झाडे, वय 30 वर्ष, यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की त्याला न्यू राजबारच्या समोर सुपर मार्केट जवळ तीन इसमांनी, त्यांची नावे आहे शहाबाज सलमान मिर्झा, नंबर 2 अब्दुल मलिक आणि नंबर 3 तौहिद मुश्ताक, या तिघांनी बारमधल्या क्षुल्लक कारणाच्या भांडणावरून त्यांना जीवाने मारण्याची उद्देशाने शहाबाज यांनी त्याच्याजवळच्या चाकूसारख्या शस्त्राने फिर्यादीला मारले, तर त्यांनी जीव वाचवण्यासाठी त्याचा हात पुढे केला, त्याच्या हातावर तो शस्त्राचा वार लागल्यामुळे त्याला जखम झाल्यानंतर त्याच्या मित्राने पोलीस स्टेशनला येऊन त्याची माहिती दिली। तात्काळ आपला पोलीस स्टाफ तिथे रवाना झाला, त्या जखमीला दवाखान्यामध्ये येऊन त्याचा उपचार करण्यात आला। त्यानंतर त्याने आपल्या इथे तक्रार दिल्यावरून त्याच्या विरुद्ध कलम 307, 323, 504, 507, 34 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला। या गुन्ह्यातील तिन्ही आरोपींना पोलिसांनी अटक केलेली असून ते सध्या पोलिसांच्या ताब्यात आहेत, अटकेत आहेत आणि पुढील तपास सुरू आहे। शहर में आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे में जरूरत है कि पुलिस ने शहर में गश्त बढ़ाकर हो रहे आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाना चाहिए। NBCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश रुंकलवार की रिपोर्ट।